हाय गाइस, वेलकम टू क्या भूत होते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ऑडियो बुक जिसका नाम है ड्रैकुला द अनडेड। ये बुक ब्रैम स्टोकर ड्रैकुला की सीक्वल है और इसको लिखा है डैकर स्टोकर और इयन हॉल्ट ने, और इसको एडिट किया है फ्रीडा वॉरिंगटन ने। डैकर स्टोकर नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, और अगर आप ब्रैम स्टोकर से इनकी रिश्तेदारी निकाल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस बुक के जो राइटर हैं डैकर स्टोकर, वो ब्रैम स्टोकर के ग्रेट 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 ग्रैंड नफी हैं, यानी कि चौथी पीढ़ी के उनके भांजे या भतीजे हैं। उन्होंने ये बुक लिखी है, और जितना अभी तक मैंने इस बुक को पढ़ा है, ये बुक भी उतनी ही इंटरेस्टिंग और उतनी ही एडवेंचर से भरी हुई है जितनी की पहली ड्रैकुला बुक थी। और ये बुक 2009 में पब्लिश हुई थी, बट आई डोंट नो क्यों ये कहीं खो सी गई, और मुझे भी इस बुक के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये बुक मुझे अभी रिसेंटली मिली है, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और था। मैंने आपसे मिसिंग 411 या फिर शाइनिंग के लिए प्रॉमिस किया था, बट सिंस अभी ये हमें मिल गई है तो हम इसकी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग बुक, वेरी एक्साइटिंग स्टोरी, एडवेंचर, और देयर इज अ लॉट टू कम। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब सीधा चलते हैं वीडियो पर। नौ मार्च 1912 को मीना और जॉनथन के बेटे क्विंसी हार्कर को एक चिट्ठी मिलती है जिसके ऊपर लिखा था कि इसे तभी खोला जाए जब विलेमिना हार्कर यानी मीना की मौत हो चुकी हो। इस चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे क्विंसी, मैं जानती हूं कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इस बात का शक था कि मैं और तुम्हारे पिता तुमसे कुछ छुपाते रहे हैं, और ये सच है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ खुलकर बता दूं, जिससे कम से कम तुम अपनी तरफ आने वाले किसी भी खतरे से अनजान न रहो। मैंने और तुम्हारे पिता ने तुमसे ये सब इसलिए छुपा कर रखा था ताकि तुम किसी खतरे में ना पड़ो। हम चाहते थे कि हम तुम्हें एक ऐसी बेखौफ जिंदगी दे पाएं जिसे हम कभी अपनी जवानी में जी नहीं पाए। हम दोनों ने ही अपनी जवानी एक खतरे से भागते हुए बिताई है। अगर तुम इस चिट्ठी को अभी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि जिस खतरे से हम अभी तक बचते आए हैं वो वापस आ गया है, और तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। 1888 में जब मैं और जॉनथन जवान थे, तब हमें जानने को मिला कि इस दुनिया में इंसानों और जानवरों के अलावा और भी शैतानी चीजें हैं जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। यह शैतान हमारी ही दुनिया में परछाइयों में रहते हैं, और मासूम लोग जो इनके बारे में नहीं जानते वो इनका शिकार बन जाते हैं। तुम्हारे पिता जब नए नए सॉलिसिटर बने थे तब उन्हें एक डील के लिए ट्रांसिल्वेनिया भेजा गया था। उनका काम था काउंट ड्रैकुला से एक प्रॉपर्टी की डील करना, जो कि यहां कैराफैक्स एबी के नाम से जानी जाती है। पर तुम्हारे पिता को जल्द ही पता चल गया कि जिस काउंट के कासल में वो आए हैं वो असल में एक ऐसा जीव है जिसके बारे में सिर्फ लोक कथाओं और किस्से कहानियों में सुनने को मिलता है। ये एक ऐसा जीव है जो कि अपनी जिंदगी को कायम रखने के लिए इंसानों के खून से अपनी प्यास बुझाता है। उसे वहां के स्थानीय लोग नॉस्फेरातु द अनडेड कहते थे। तुम्हारी नई पीढ़ी इस जीव को वैम्पायर के नाम से ज्यादा अच्छे से जानती है। काउंट को डर था कि तुम्हारे पिता उसका राज खोल देंगे, इसीलिए उसने उन्हें अपने कासल में बंदी बना लिया था। उसके बाद वो शैतान डिमीटर नाम की एक शिप से लकड़ी के कई बक्सों में छुपकर यहां इंग्लैंड आ गया था। उसे खुद को इस तरह छुपाना इसलिए पड़ा था क्योंकि चाहे एक वैम्पायर में 20 आदमियों की ताकत ही क्यों ना हो, उस पर सूरज की एक भी किरण पड़ते ही वो राख में बदल जाता है। उस वक्त मैं अपनी मरहूम दोस्त लूसी वेस्टनरा के यहां विडबी में रह रही थी।
कुछ दिनों के अंदर ही लूसी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी और वो रात में अपने कमरे से बाहर भाग जाती थी। उसकी गर्दन पर दो छोटे छोटे छेद बन गए थे और तब हमारी मदद के लिए लूसी का मंगेतर आर्थर यानी लॉर्ड गोडलमिंग और हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त जिसका नाम हमने तुम्हें दिया है क्विंसी मॉरिस हमारी मदद के लिए आए थे। हमने लूसी को लंदन के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया था पर हम कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। तब डॉक्टर जॉन सिवर्ट जो कि यहां एक मेंटल क्लिनिक चलाते हैं उन्होंने अपने टीचर डॉक्टर एब्राहम वैन हेल्सिंग को हमारे पास बुलाया था। डॉक्टर वैन हेल्सिंग न सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर हैं बल्कि उन्हें पारलौकिक विषयों की भी अच्छी समझ है। उन्होंने ही यह पता लगाया था कि लूसी को एक वैम्पायर ने काटा था। यही वो वक्त था जब मुझे तुम्हारे पिता की चिट्ठी मिली थी कि वो ड्रैकुला के कासल से भागकर एक मॉनेस्ट्री में रुके हुए थे और मैं उनसे मिलने बुडापेस्ट गई थी। उस वक्त ही हम दोनों की शादी हुई थी। तुम्हारे पिता से ही मुझे काउंट और उसके कासल के बारे में पता चला और मैं समझ पाई कि उस वक्त हमारे साथ क्या हो रहा था। जब तक हम दोनों बुडापेस्ट से वापस आए तब तक लूसी की मौत हो चुकी थी। पर उसके बाद कुछ और भी बुरा हुआ था। लूसी अपनी मौत से जाग चुकी थी और खुद एक वैम्पायर बनकर छोटे बच्चों के खून से अपनी प्यास बुझा रही थी। इसके बाद ही क्विंसी आर्थर डॉक्टर जॉन और प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को एक बड़ा ही कठोर फैसला लेना पड़ा था। उन्हें मजबूरन लूसी के दिल में एक स्टेक घोंप कर उसकी आत्मा को उस शैतान के चंगुल से मुक्त कराना पड़ा था। इसके कुछ दिनों बाद ही काउंट ने एक रात मुझ पर भी हमला किया और फिर हम सब ने मिलकर उसका शिकार करने का फैसला किया। हम सब ने एक शपथ ली थी कि हम इस दुनिया को काउंट के खौफ और आतंक से मुक्ति दिलाकर ही मानेंगे। पर मुझे दुख है कि इस खतरनाक लड़ाई में क्विंसी ने अपनी कुर्बानी दे दी। पर मरने से पहले उसने अपनी चाकू काउंट के दिल में उतार दी थी। हम सब ने काउंट को अपनी आंखों के सामने ही राख के ढेर में बदलते देखा था। हमें लगा कि अब हम आजाद हो चुके हैं पर तुम्हारे पैदा होने के एक साल बाद ही मुझे बड़े ही डरावने सपने आने लगे। मुझे सपनों में काउंट ड्रैकुला दिखाई देता था। यही वो वक्त था जब तुम्हारे पिता ने मुझे इस बारे में चेताया था। काउंट ने हम सबसे कहा था कि वो अपना बदला लेकर रहेगा और वो सदियों तक इस दुनिया पर राज करेगा। मुझे याद है कि उसने कहा था कि समय उसकी तरफ है। उस दिन से मैं और तुम्हारे पिता एक रात भी चैन से सो नहीं पाए हैं। हमें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं काउंट हम तक ना पहुंच जाए और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। पर मैं ये भी जानती हूं कि अब मुझ में तुम्हें उस शैतान से बचाने की ताकत नहीं है। तुम ये जान लो क्विंसी की इन पन्नों में मेरी लिखी हर बात एकदम सच है और अब तुम्हें अपने अंदर झांक कर अपने अंदर के हीरो को ढूंढना होगा। ड्रैकुला बहुत ही शातिर और खतरनाक है। ना तो तुम उससे भाग सकते हो और ना ही छुप सकते हो। तुम्हें उससे सीधे सीधे ही लड़ना होगा। अगर डॉक्टर वैन हेल्सिंग की बात सही है तो ये वैम्पायर सिर्फ डीमंस ही हैं और भगवान तुम्हारी मदद इस लड़ाई में जरूर करेगा। तुम्हें मेरा ढेर सारा प्यार, तुम्हारी मां मीना। डॉक्टर जॉन सीवर्ट की हालत आजकल कुछ ठीक नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने अंधेरे से दोस्ती कर ली हो। लूसी की लिखी हुई कुछ कविताएं ही उसे थोड़ा सुकून देती थीं। उसके लिए अंधेरे में सुकून था क्योंकि रोशनी शायद उसकी उधड़ी हुई जिंदगी को सबके सामने और उसके खुद के सामने ला देती थी। उसने सालों तक अपनी जिंदगी अंधेरे से लड़ते हुए गुजारी थी पर अब उसने अंधेरे को अपना लिया था। उसे बस रात में सोते वक्त ही थोड़ा चैन मिल पाता था
सोते हुए उसे अब भी लूसी की याद आती थी, जो उसे कुछ आराम तो देती थी। कभी कभी सोचते सोचते वो समय में पीछे चला जाता था, उस खुशनुमा वक्त में जब उसे अपना काम करने में मजा आता था और वो जिंदगी जो वो लूसी के साथ बिताना चाहता था। एक सुबह जब डॉक्टर जॉन की नींद पेरिस के शोर शराबे से खुली तो उसे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। अपनी आंखें मलते हुए जब उसकी नजर अपने कमरे की छत पर पड़ी तो उसकी वो यादें कहीं खो गईं और जिंदगी की कड़वी सच्चाई ने एक बार फिर उसे एहसास दिलाया कि उसकी जिंदगी अब कितनी बदल चुकी है। जॉन अब पहले जैसा तंदुरुस्त नहीं रहा था, उसका शरीर कमजोर हो रहा था और वो अपने पिछले रूप की बस परछाई भर रह गया था। जॉन अक्सर सोचता था कि उसे मौत जल्दी ही आ जाए। उसके अंदर अपना पूरा बुढ़ापा काटने की हिम्मत नहीं थी। अपना शरीर तो उसने पहले ही मेडिकल कॉलेज को दान में दे दिया था, जिसे वो उसके मरने के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते। जॉन सोचता था कि कम से कम मरने के बाद तो वो किसी के काम आ ही जाएगा। जॉन ने आंखें मलते हुए अपनी घड़ी खोली तो उसमें सुबह के 6:30 बज रहे थे। उसे जैसे एक झटका सा लगा। वो जल्दबाजी में कुर्सी से उठा तो पास ही स्टूल पर रखी एक सिरिंज जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई। पास ही रखी मॉर्फीन की वो बोतल भी गिरने वाली थी, पर जॉन ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने हाथ पर बंधी हुई वो लेदर बेल्ट हटाई जो वो रात में खुद को इंजेक्शन देते वक्त हटाना भूल गया था। उसने अपने कपड़े ठीक किए। उसका वो महंगा सूट लंदन के सबसे बेहतरीन टेलर बेलिंगहम एंड सन्स ने बनाया था। अगर ये किसी आम टेलर ने बनाया होता तो 10 साल कभी नहीं टिकता। जॉन ये सब सोचकर खुद में ही मुस्कुरा रहा था। उसे ट्रेन पकड़कर एक पते पर पहुंचना था, पर वो भूल गया था कि वो पता क्या था। उसने वो लिख कर कहीं रख दिया था। जॉन अपने घर में हर जगह वो पता ढूंढने लगा। वो न्यूज़पेपर की कतरनों के ढेर में उस कागज को ढूंढ रहा था। ये कतरनें उसने ही काटी थीं, जिनमें हर जगह बस जैक द रिपर की ही खबर थी। जॉन सोच रहा था कि ये जैक द रिपर जो सिर्फ औरतों को ही मारता है, ये किस तरह का आदमी होगा। आम लोग इसे कसाई कहते हैं, पर कसाई भी जानवर पर रहम करके उसे आसान मौत देता है। अपने घर में जॉन ने हर जगह कागज इकट्ठे कर रखे थे, जिनमें उसने जैक द रिपर को लेकर अपनी थ्योरीज लिख रखी थी। जॉन उस कागजों के ढेर में वो एक अनोखा कागज ढूंढ रहा था, पर उसे वो कहीं नहीं मिल रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें इकट्ठा होने लगी थी। जिस किसी ने भी जॉन को ये जानकारी लाकर दी थी, उसने इसके लिए काफी खतरा उठाया था। ये शायद इस दुनिया में इकलौता इंसान था जिसे अब भी जॉन पर भरोसा था। आर्थर, जॉनाथन, मीना, सबको लगता था कि जॉन अब किसी काबिल नहीं रहा, पर ये इंसान जॉन पर अब भी भरोसा कर रहा था। जॉन उसका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था। ये सोचते हुए जॉन ने एक नजर अपने घर की दीवारों पर डाली तो उसकी दीवारें पूरी तरह से रंगी हुई थीं, स्याही, कोयला, और यहां तक कि अपने खून से भी जॉन ने दीवारों पर न जाने क्या क्या लिख रखा था। पर उसे भरोसा था कि दुनिया उसकी इन्हीं बातों को एक दिन सच मानेगी और उसे पागल नहीं समझेगी। दीवारों को देखते हुए जॉन की नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी जो कि दीवार में एक जगह एक बोई नाइफ से ठोंका हुआ था। ये किसी डायरी से फाड़ा हुआ पन्ना था जिस पर एक खूबसूरत काले बालों वाली औरत की तस्वीर बनी हुई थी। इस कागज के टुकड़े के नीचे लिखा था, एलिजाबेथ बैथोरी सरका 1582। जॉन को खुद पर हंसी आ गई और वो बोला,
अरे यहीं तो मैंने उसे छुपाया है। उसने वो चाकू निकाली और उस कागज को पलटा तो उसके पीछे बड़ी ही खराब हैंडराइटिंग में एक पता लिखा हुआ था जो कि मार्सेलस में एक विला का था। दीवार पर जहां वो कागज लगा हुआ था वहीं पास में एक क्रॉस, लकड़ी का एक स्टेक और लहसुन के फूलों की माला भी रखी हुई थी। जॉन ने वो सब उठाया और अपनी मेज से एक चांदी के चाकू के साथ सब कुछ अपने मेडिकल बैग की छुपी हुई दराज में रख लिया। उसके ऊपर उसने रोजमर्रा के मेडिकल उपकरण रखे और अपना बैग बंद किया। उसे ग्यारा डिलियन के लिए जाने वाली ट्रेन में बैठना था जो बिल्कुल सही वक्त पर छूट रही थी। जब जॉन टिकट खरीद रहा था ट्रेन उसके सामने ही चलने लगी थी। जॉन उसके पीछे भागा पर अब वो पहले जैसा तेज नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से वो ट्रेन के आखिरी गार्ड कोच का हैंडल पकड़ने में कामयाब रहा था। जो काम अभी जॉन ने किया था वो काम खतरनाक नहीं था पर उसे खुद पर हंसी आ रही थी। जॉन जाकर ट्रेन के डाइनिंग कंपार्टमेंट में बैठ गया। अब तक ट्रेन अच्छी रफ्तार पकड़ चुकी थी। जॉन ने अपनी घड़ी निकाली तो ट्रेन को चलते हुए अभी बस 5 मिनट ही हुए थे और उसे अगले 10 घंटे इसी ट्रेन में बैठना था। वो सोच रहा था कि मार्सेलस पहुंचते ही उन सब लोगों को दिखा देगा कि वो पागल नहीं है। वो अपनी सारी थ्योरीज को सही साबित कर देगा और सारे लोगों को बता देगा कि वो हमेशा से सही था। ये शायद जॉन की जिंदगी के सबसे लंबे 10 घंटे होने वाले थे। इसी बीच कंडक्टर वहां आया और जॉन से टिकट मांगी। जॉन ने अपने स्कार्फ से अपने कोट की फटी हुई कॉलर को छुपाते हुए टिकट निकाली और उसे थमा दी। कंडक्टर, जो कि जाहिर है कि एक फ्रेंच था, उसने जॉन से पूछा कि क्या आप ब्रिटिश हैं। जॉन ने कहा हां। कंडक्टर ने दोबारा पूछा, क्या आप एक डॉक्टर हैं? जॉन ने कहा हां, पर आपको कैसे पता? उस कंडक्टर ने जॉन का बैग तो देख लिया था पर उसे शायद जॉन के गंदे कपड़े और उसकी शक्ल देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक डॉक्टर ही है। वो कंडक्टर मुस्कुराया और उसने जॉन से कहा कि क्या वो उसका बैग देख सकता है। जॉन के पास उसे मना करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना बैग कंडक्टर को थमा दिया। वो कंडक्टर बड़े ध्यान से उसके बैग में रखी एक एक चीज को देखने लगा। वो हर दवा की बोतल का लेबल पढ़ रहा था कि एक बोतल को देखते ही उसने कहा, मॉर्फीन। उस कंडक्टर ने कहा कि ब्रिटेन में बिना लाइसेंस के मॉर्फीन बेचना, खरीदना और यहां तक कि किसी मरीज को देना भी जुर्म है। क्या जॉन के पास इसका लाइसेंस है? जॉन ने उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहा। जॉन अपने बैग में और अपनी जेबों में लाइसेंस ढूंढने लगा पर उसे वो मिल नहीं रहा था। कंडक्टर लगभग ट्रेन की चेन खींचने ही वाला था कि जॉन ने पता नहीं कहां से लाइसेंस निकालकर उसके हाथ में दे दिया। उसने उस लाइसेंस पर चिपकी हुई जॉन की फोटो को उसकी शक्ल से मिलाने की कोशिश की। उसने जॉन से कहा कि वो काफी बीमार लग रहा है और उसका वजन भी काफी कम हो गया है। इस पर जॉन ने उसे कहा कि हां, वो आजकल काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहता है। कंडक्टर ने उससे पूछा, आप मार्सेलस क्यों जा रहे हैं डॉक्टर? जॉन ने कहा कि उसे एक दिमागी मरीज को देखने जाना है जिसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। जॉन की बात कंडक्टर की समझ में नहीं आई। जॉन उसे इसका मतलब समझा ही रहा था कि कंडक्टर ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा, हे भगवान, उस मरीज पर रहम करो। ये कहकर उस कंडक्टर ने वो टिकट और लाइसेंस जॉन को वापस किया और आगे बढ़ गया। जॉन को अपनी आंखों पर पड़ती दिन की रोशनी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने खिड़की पर पर्दा किया
और उस आरामदेह सीट पर लुढ़क गया। कुर्सी पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद करके फिर से अतीत की गहराइयों में न जाने जॉन क्या ढूंढने लगा था। उसका वो भाई जैसा दोस्त आर्थर और उसकी प्यारी लूसी की हरी आंखें, उसके दिमाग में यही सब घूम रहा था। उसकी नींद शाम को खुली जब वो ट्रेन अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुकी थी। उसने ट्रेन में ही थोड़ा खाना खाया और अपने समय पर वो स्टेशन से बाहर निकल आया। जॉन स्टेशन से बाहर निकला तो वहां हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ये मार्च का महीना था और फ्रांस में ये बारिश के लिए बिल्कुल मुफीद समय होता है। वो फ्रांस की उन पतली सड़कों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा जा रहा था। वहां चारों तरफ हर जगह बस सफेद इमारतें थी। आगे बढ़ता हुआ जॉन इंडिगो हार्बर तक पहुंचा, जहां से उसने प्रोवेंशियल सिटी की तरफ रुक किया। ये जगह एक 2500 साल पुराने गांव के चारों ओर बनाई गई थी, जहां ग्रीक और रोमन कलाकारी हर जगह मौजूद थी। चलते चलते जॉन एक जगह रुक गया। उसके सामने एक 2 मंजिला विला था, जिसके दरवाजे पर लकड़ी के शटर और खिड़कियों पर लोहे की जालियां लगी हुई थीं। उस विला की सफेद दीवारों पर पड़ रही चांद की रोशनी उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उस विला की ढलान वाली छत पर लाल टेराकोटा टाइल्स लगी हुई थी, जो उसे अमेरिका में बने हुए घरों की याद दिला रही थी। पर जॉन को इस विला में कोई हरकत नहीं दिखाई दी थी। एक पल के लिए वो डर गया था कि उसे कहीं यहां पहुंचने में बहुत देर तो नहीं हो गई। उसने अपनी जेब से दोबारा वो कागज निकाला और वहां का पता देखा। वो बिल्कुल सही जगह पर आया था। जॉन सड़क पर खड़ा उस विला को देख ही रहा था कि उसके कानों में बहुत ही तेजी से आते घोड़ों के पैरों की आवाज पड़ी। जॉन बिना कुछ ज्यादा सोचे पास के ही एक इमारत के बगीचे में छुप गया। उसकी नजर अब भी सड़क और उस विला पर थी। वो बग्घी तेजी से उस विला के सामने आकर रुकी। ये एक शानदार काली बग्घी थी, जिसके ऊपर पीतल से नक्काशी की हुई थी और उस पर 2 बहुत ही सुंदर काले घोड़े बंधे हुए थे। पर जॉन की हैरत का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस बग्घी का कोई गाड़ीवान ही नहीं था। अगर गाड़ीवान वहां नहीं था तो उस बग्घी को हांक कौन रहा था? उस बग्घी के अंदर से कोई बहुत ही दमदार सा बाहर निकला। वो जो भी था उसकी पीठ जॉन की तरफ थी। पर उससे भी ज्यादा अजीब बात अब हुई। उस इंसान के बाहर निकलते ही वो घोड़े अपने आप ही मुड़कर एक तरफ चले गए। ना तो उनसे किसी ने कुछ कहा था और ना ही उन्हें कोई इशारा किया था। वो काले कपड़ों में लिपटा जो भी था, उसके हाथ में एक चलने वाली छड़ी थी। उसके एक हाथ में चमड़े के काले दस्ताने थे और उसका दूसरा हाथ अपनी जेब में शायद चाबी निकालने के लिए पहुंचा हुआ था। पर वो जो भी था, वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अचानक ही रुक गया। उसने शायद कुछ महसूस कर लिया था। जॉन ने तभी आवाज में खुद से कहा, शिट। उस इंसान ने अपनी गर्दन एक तरफ झटकी। ऐसा लग रहा था उसने जॉन को उस धीमी बारिश में भी सुन लिया था। वो दरवाजे की तरफ ना बढ़कर पास ही अंगूरों के बगीचे की तरफ जाने लगा। जॉन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे डर और रोमांच दोनों ही महसूस हो रहा था, पर उसने खुद पर काबू रखा। उस इंसान का हाथ अपने सर पर लगी बड़ी सी टॉप हैट पर गया और उसने वो हैट हटाई। उसके वो हैट हटाते ही घने खूबसूरत काले बालों का एक गुच्छा उसके कंधों पर लहरा गया। जॉन का दिमाग हिल गया। ये तो वही औरत है। उसके खबरी ने उसे बिल्कुल सही खबर दी थी। ये काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी ही थी,
ये बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसे कि अपनी 300 साल पहले बनाई गई तस्वीर में। उस वक्त बिजली कड़क रही थी और शायद बारिश और भी तेज होने वाली थी। काउंटेस को किसी की भनक तो लग चुकी थी और शायद इसीलिए वो अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। जॉन बगीचे में छुपा हुआ उसकी उस डरावनी खूबसूरती को देख रहा था। वो वहां से हटना तो चाहता था, पर अगर वो जोर से सांस भी लेता तो काउंटेस को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता। उस औरत के शरीर की एक एक हरकत किसी शिकारी की तरह थी। बीच बीच में चमकती बारिश में अपनी नीली आंखों से वो अपने शिकार को ढूंढ रही थी। वो जैसे ही एक तरफ मुड़ी, जॉन जल्दी से मिट्टी में लेट गया। उसने अपनी सांस तक रोक ली थी और वो जरा भी हरकत नहीं कर रहा था। जॉन जानता था कि अगर बिजली की एक चमक भी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसका खेल खत्म था, इसीलिए उसने अपना मुंह मिट्टी में छुपाया हुआ था। वो कुछ देर ऐसे ही लेटा रहा। 5-10 मिनट बाद जॉन ने बड़ी हिम्मत करके अपना मुंह ऊपर उठाया। उसे डर था कि काउंटेस यहीं पास ही कहीं होगी, पर वो जा चुकी थी। जॉन ने एक लंबी सांस ली और उठकर बैठ गया। उसके पैर सुन्न पड़ चुके थे और उसके कपड़े पानी में पूरी तरह से भीग गए थे। उसे अपना वो पुराना सूट अब बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। अपने डर पर काबू पाते हुए जॉन ने अपने आसपास का मुआयना किया और अपने कदम उस विला की तरफ बढ़ा दिए। बारिश बढ़ गई थी और जॉन के जूतों में मिट्टी भर गई थी, जिससे उसे चलने में काफी परेशानी हो रही थी। वो लड़खड़ाते हुए एक पाइन के पेड़ से जा टकराया। जॉन ने उस विला को देखा तो उसमें अंदर घुसने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे याद था कि जवानी में वो पेड़ों पर बड़े ही आसानी से चढ़ जाता था, पर क्या वो इस उम्र और इस खराब सेहत में भी ऐसा कर पाएगा? जॉन खुद को गालियां दे रहा था। वो खड़ा हुआ और उस पाइन के पेड़ के सबसे नीचे की डाल पर चढ़ गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर जॉन दूसरी डाल पर चढ़ा, जहां से वो पहली मंजिल की बालकनी पर जा सकता था, पर वो अभी अपनी सांसें ही इकट्ठा करने में लगा हुआ था। इन दो डालों पर चढ़ने में ही उसकी सारी ताकत निकल गई थी। उसने किसी को खिड़की के पास आते देखा तो वो पेड़ की ओट में छुप गया। वो जो भी था, उसने खिड़की खोली नहीं थी। जॉन बालकनी पर लगी लोहे की ग्रिल से अंदर चढ़कर विला में पहुंच गया। उसने खिड़की से अंदर झांका तो वो एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी ज्यादातर लाइटें बंद थीं। वो खूबसूरत हॉल इस अंधेरे में बहुत ही डरावना लग रहा था। जॉन ने अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसे अपने जोर से धड़कते हुए दिल की धड़कनों और बारिश की टप टप के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर दो लोगों पर पड़ी जो कि उस हॉल से कहीं जा रहे थे। वो दो लोग सफेद थे, नहीं, उन्होंने शायद सफेद कपड़े पहने हुए थे। उनके हाथों में एक बड़ा सा बक्से जैसा कुछ था। जॉन को लगा कि वो उसे देख लेंगे, इसीलिए वो सावधानी से झुककर दूसरी खिड़की की तरफ चला गया। इस दूसरी खिड़की से उसे अंदर का नजारा कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उस हॉल में बस कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं और बाकी की रोशनी फायरप्लेस में जलती आग से आ रही थी। वो दो लोग जो उसने अभी देखे थे, दरअसल वो दो खूबसूरत लड़कियां थीं जिन्होंने लंबे सफेद रेशमी गाउन पहने हुए थे, पर ये वो नहीं थीं जिनके लिए जॉन यहां आया था। उसकी नजरें तो किसी और को ढूंढ रही थीं। जॉन को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि चंद पलों में ही काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी उस हॉल के बड़े बड़े दरवाजों को खोलकर अंदर आ गई थी। जॉन ने उसे देखकर राहत की सांस ली, क्योंकि उसका यहां आना बेकार नहीं गया था। काउंटेस ने अपने कंधों पर टांगा हुआ वो काला लबादा उतार कर एक तरफ फेंक दिया
उसके कपड़े वो तो मर्दों जैसे थे, पर शायद उन्हें काउंटेस के लिए खास बनाया गया था। उसकी वो सफेद शर्ट और काली टाई, जॉन ने कभी किसी औरत को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था। एलिजाबेथ उन दो लड़कियों से मिलकर काफी खुश लग रही थी। उसने उन दोनों लड़कियों को होठों पर चूमा और उनसे पूछा, आज तुम मेरे लिए क्या खिलौना लेकर आई हो? उनमें से एक लड़की ने उस बड़े से लकड़ी के बक्से पर लगा ताला अपने हाथ से यूं ही तोड़ दिया और किसी वेटर की तरह अपने ग्राहक के लिए उस बक्से का ढक्कन हटाया। उस बक्से में एक लड़की थी। सुनहरे बालों वाली उस लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। काउंटेस ने अपना हाथ अपने बूट की तरफ बढ़ाया और उसमें से एक मुड़ा हुआ चाकू निकाला। जॉन उस ब्लेड को देखते ही पहचान गया, ये एक सर्जिकल नाइफ थी। बक्से के अंदर पड़ी उस लड़की की आंखें डर से फट गई थी। उसने चाकू हवा में लहराकर उस लड़की को बक्से से बाहर आने का इशारा किया। काउंटेस ने वो चाकू उस लड़की के आसपास घुमाया और उसकी रस्सियां काट दी। इसके बाद उसने वो चाकू उस लड़की की गर्दन पर रख दिया, पर धीरे धीरे वो उस चाकू को उस लड़की के सीने तक ले गई और एक ही बार में उसके कपड़ों को उस चाकू से काट दिया। उस तेज सर्जिकल नाइफ से गिरते ही उस लड़की के कपड़े जमीन पर गिर गए थे और वो अपना जिस्म छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। ये सब देखते हुए जॉन का हाथ अपने आप ही उसकी चांदी से बनी फेंकने वाली चाकू पर चला गया। जॉन शायद वो चाकू सीधा काउंटेस की तरफ फेंकने ही वाला था कि वो रुक गया, क्योंकि शायद अब तक काउंटेस ने उस लड़की पर कोई वार नहीं किया था। वो लड़की खुद को छूकर हर जगह देख रही थी कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, पर वो बिल्कुल ठीक थी। काउंटेस ने एक बार ठीक से उस लड़की को देखा तो उसके गले में लटके उस छोटे से क्रॉस पर उसकी नजर गई। उस क्रॉस को देखते ही काउंटेस जैसे थोड़ा चिढ़ सी गई थी। उसने वो चाकू फिर एक बार हवा में लहराया और वो क्रॉस उस लड़की के गले से टूटकर जमीन पर जा गिरा। काउंटेस ने अपना हाथ इतनी तेजी से घुमाया था कि जॉन को दिखा ही नहीं कि कब उसने उस क्रॉस को चेन से काट दिया था। उस वार से उस लड़की के गले पर हल्की सी चोट आई थी और उससे खून की एक दो बूंदें टपक रही थीं। खून देखते ही वो दो लड़कियां उस पर पागल कुत्तों की तरह झपट पड़ी। उन्होंने उस लड़की के पैर बांधकर उसे छत से उल्टा लटका दिया। काउंटेस पास ही एक कुर्सी लेकर बैठ गई और खिड़की के दूसरी तरफ बारिश में भीगता जॉन वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो लड़की किसी तरह बच जाए, पर शायद ऐसा होने की संभावना कम ही थी। काउंटेस ने एक चाबुक उठाया और बड़े ही सधे हुए तरीके से उस लड़की के गले पर मारा, जहां वो छोटा सा घाव था वहां से खून बहने लगा था। वो लड़की दर्द से बुरी तरह से चीख रही थी, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। जॉन बहुत कुछ करना चाहता था, पर वो जानता था कि वो इन वैम्पायर्स के सामने कुछ नहीं कर सकता था। वो तीन शैतान थे और वो एक अकेला अधेड़ उम्र का आदमी, वो उनके सामने कैसे टिक पाता? वो क्या करता? वो खिड़की के दूसरी तरफ बैठा बस भगवान का नाम ले रहा था। उसे याद था कि उसके खबरी ने उसे कहा था कि चाहे जो भी हो जाए उसे खुद पर काबू रखना होगा और सही मौके का इंतजार करना होगा। जॉन ने हिम्मत करके एक बार फिर से खिड़की से अंदर झांका तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल मुंह में आ गया। काउंटेस अपने चाबुक से लगातार उस लड़की पर वार किए जा रही थी और वो खून जो पहले बूंद बूंद करके उसके शरीर से गिर रहा था वो अब कई पतली पतली धारों में बदल चुका था।
सफेद गाउन पहने वो दो लड़कियां उस खून को पीने के लिए जमीन पर बैठकर किसी राक्षस की तरह अपना मुंह खोले हुई थी। ये पागलपन था। जॉन जो देख रहा था ये देखकर शायद शैतान को भी उस लड़की पर तरस आ जाता, पर जॉन ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वो जानता था कि सूरज निकलने पर इन तीनों को अपने अपने कॉफिन में जाना ही होगा, और तब उसके पास इनके आतंक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का अच्छा मौका होगा। पर जॉन खुद को गुनहगार भी मान रहा था, क्योंकि वो इस मासूम लड़की की जान बचा पाने में नाकामयाब रहा था। वो शायद जल्दी ही मरने वाली थी। कुछ देर बाद वो चीखें सुनाई देना बंद हो गई थी, पर जॉन अब अंदर नहीं देख रहा था। वो खिड़की पर बैठा रो रहा था। उसने अपनी चाकू को इतना कस कर पकड़ रखा था कि कब उसका हाथ धार पर लगा और कब उसके हाथ पर उस घाव से खून निकलने लगा, उसे पता ही नहीं चला। उस लड़की की चीखों ने उसे लूसी की याद दिला दी थी। लूसी भी ऐसे ही चीख रही थी जब आर्थर ने उसके दिल में वो लकड़ी का स्टेक ठोंक दिया था। ये सोचते सोचते जॉन वापस वर्तमान में लौटा और उसने एक बार फिर अंदर झांका। वो लड़की दर्द से बेहोश हो गई थी और उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। जॉन को लगा कि शायद वो इसे अब भी बचा सकता है, पर न जाने क्यों इस खूनी खेल से शायद काउंटेस का मन भर गया था। उसने उन लड़कियों से कहा कि वो उसके नहाने के लिए बाथरूम तैयार करें। उन लड़कियों ने उस बेहोश लड़की को छत से उतारा और उसे अंदर ले गई। जाते हुए काउंटेस ने जमीन पर पड़े उस क्रॉस को अपने बूट से कुचल दिया। शायद ऐसा करके उसे बड़ी शांति मिली थी। जॉन देखना चाहता था कि क्या उस बालकनी में कोई खिड़की किसी दूसरे कमरे में भी जाती थी या फिर नहीं, पर अब तक बारिश रुक चुकी थी और अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो उसके कदमों की आहट से उसका बना बनाया प्लान बिगड़ सकता था। वो दबे पांव दूसरी खिड़की तक पहुंचा जहां से उसे बाथरूम के अंदर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था। ये एक बड़ा ही आलिशान ग्रीक स्टाइल बाथरूम था जिसमें कई मोमबत्तियां जल रही थीं। काउंटेस ने अपने कपड़े उतारे और वो बाथटब में लेट गई। उसकी वो खाल, वो किसी इंसान की तरह सफेद या फिर गुलाबी नहीं थी, बल्कि वो तो पोर्सलीन की तरह पीली और अजीब सी सफेद थी। पर फिर भी जॉन ने इतनी खूबसूरत औरत अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। पर उसके बाद जो हुआ वो असल हैवानियत थी। उन वैम्पायर्स ने उस बेहोश लड़की जिसके जिस्म से अब भी खून बह रहा था उसे बाथटब के ऊपर उल्टा पकड़ लिया। काउंटेस के एक इशारे पर उन वैम्पायर्स ने अपने नाखूनों से उस लड़की के गले पर वार किया और उसके गले से खून नल से बहते पानी की तरह बहने लगा। और काउंटेस बाथटब में लेटी उस खून से नहा रही थी। उसका वो खुला हुआ मुंह जिसमें वो तेज धारदार दांत कम रोशनी में भी चमक रहे थे, उसके अंदर खून भरता जा रहा था। जॉन से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि अब अगर उसकी जान जाती है तो जाए, वो इन तीनों को अभी और इसी वक्त खत्म करेगा। उसने अपने बैग से एक छोटा सा क्रॉसबो निकाला और उसमें लगे चांदी की नोक वाले तीर को काउंटेस की तरफ करके निशाना लगाया। पर क्रॉसबो का ट्रिगर खींचने से पहले ही उसकी नजर खिड़की के पास एक स्टूल पर रखे कागज पर पड़ी। यह शायद एक इश्तिहार था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, विलियम शेक्सपियर्स द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचर्ड, ओडियन थिएटर, 7 मार्च 1912, पेरिस। न चाहते हुए भी जॉन ने एक कदम पीछे लिया और यहीं उससे एक गलती हो गई। बालकनी पर लगे वो तिरछे टाइलों में से एक टूटकर नीचे जा गिरा और उस आवाज ने उस शैतानी सन्नाटे को तोड़ दिया।
सफेद कपड़े पहने एक लड़की किसी बिल्ली की तेजी से खिड़की के पास आकर देखने लगी, पर वहां कोई नहीं था। अब की बार वो बाहर आकर उस तरफ पहुंची जहां से ये आवाज आई थी। बालकनी में खून की कुछ बूंदें पड़ी थी। उस लड़की ने वो खून अपनी उंगलियों में लेकर चाटा तो उसका मुंह बन गया। इस खून में शायद कई केमिकल्स मिले हुए थे, ये उतना साफ नहीं था। वो लड़की दोबारा पूरी बालकनी की छानबीन करने लगी जहां उसे जॉन की वो चांदी की चाकू पड़ी हुई मिली। उस पर अभी भी जॉन का खून लगा हुआ था। वो समझ चुकी थी कि ये चाकू किसी वैम्पायर हंटर का ही है। उसने तुरंत ही खतरा भांपा और भागकर अंदर चली गई। उन तीनों को आज रात ही मार्सेलस छोड़ना था, पर जॉन भी जानता था कि उनकी अगली मंजिल कहां है। वो थी पेरिस।